मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन का दूसरा दिन कहीं असर कहीं बेअसर, तीन दिन बाद खुला कन्हान मार्केट, हिंगना में मिले 37 पॉजिटिव। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लॉकडाउन का दूसरा दिन कहीं असर कहीं बेअसर। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन के आदेश जिला अधिकारी ने दिए हैं। हिंगना क्षेत्र में इस बंद को दूसरे दिन अच्छा प्रतिसाद मिला है। व्यावसायिक क्षेत्र में जिला अधिकारी के आदेश के अनुसार अत्यावश्यक सेवा, क्लिनिक, दवाई, सब्जी, फलों की दुकान छोड़कर संबंधित सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, होटल बंद रहे। दूसरे दिन भी हिंगना नाका से हिंगना शहर में बंद सफलता दिखाई दे रही है। वही कामटी शहर व तहसील क्षेत्र के अधिकांश इलाकों का आयुक्तालय सीमा में आने से यहां भी लॉकडाउन लागू किया गया है। कामटी में लॉकडाउन के दूसरे दिन भी अत्यावश्यक सेवाएं, सुविधाएं को छोड़ प्रमुख बाजार बंद रहे। लॉकडाउन के नियमों का सुचारू रूप से पालन सुनिश्चित करने के लिए शहर के हाईवे रोड सहित विभिन्न इलाकों में पुलिस बल तैनात दिखाई दिए। वही वाहनों से पुलिस गश्त भी लगा रही है। जो लॉकडाउन में बेवजह यहाँ वहाँ घूमते पाए गए है उनसे पुलिस विभाग सख्ती से निपट रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। तो वही दूसरी ओर तीन दिन बाद खुला कन्हान मार्केट। नगर में हर शुक्रवार को लगने वाला साप्ताहिक बाजार विगत 3 सप्ताह से स्थगित है तथा हर शनिवार और रविवार को कन्हान का संपूर्ण बाजार बंद रहने से नागरिकों में असंतोष बढ़ते ही जा रहा है। यह व्यवस्था आगामी 21 मार्च तक जारी रहने की घोषणा नगर परिषद प्रशासन ने की है। हालांकि नागपुर सिटी एवं कामटी सिटी में फुल लॉकडाउन 15 मार्च से जारी हो गया है। इससे कन्हान को छूट दी गई है जिससे नागरिकों में राहत है। सोमवार 15 मार्च को कन्हान का मार्केट पूर्ववत 3 दिनों के बाद खुलने से सभी और चहल पहल नजर आई। लोग जरूरत की वस्तुएं खरीदने हेतु मार्केट में आए। बाजार के साथ ही सब्जी मार्केट में भी रौनक नजर आई। इसी बीच नगर परिषद ने कन्हान में 21 मार्च तक शाम 6 बजे के बाद जीवन आवश्यक घटकों को छोड़कर संपूर्ण मार्केट बंद रहेगा। मार्केट बंद रखने का शासकीय फैसले का अब लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बंद से सारा व्यापार ठप पड़ जाता है तथा इसका खामियाजा गरीब वर्ग को उठाना पड़ता है। तो वही तीसरी ओर हिंगना में मिले 37 पॉजिटिव। सोमवार को तहसील में 37 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसमें वाना डोंगरी 15, ईसासनी में 6, हिंगना में 5, किनी दोंतली, मोंडा रायपुर व टाकल घाट 2, डिगडोह, नीलडोह व कान्होली 12, 1, ऐसे कुल 37 मरीज मिले हैं। अब तक कुल मरीजों की संख्या 4,670 है। इसमें से 4,013 कोरोना से मुक्त हुए हैं। अब तक मरने वालों की संख्या 106 हो गई है। तहसील में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बिना मास्क घूमते मिलने पर पुलिस विभाग व स्थानीय प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को 560 लोगों की कोरोना जांच की गई। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।